नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली, राकेश टिकैत। राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 16 राज्यों की बिजली कट जाएगी। बता दें, भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के आंदोलन स्थल की बिजली कटी तो किसानों के खेतों से जाने वाली 16 राज्यों की बिजली लाइन कट जाएगी। 80 लाख आदिवासी आबादी और शिक्षा ऋण 186 को सरकार ने जताई नाराजगी। जनजातीय जनसंख्या के हिसाब से झारखंड में देश के अंदर दूसरी बड़ी 80 लाख की आदिवासी आबादी निवास करती है। ऐसे में महज 186 विद्यार्थियों को ही शिक्षा ऋण देना बैंकों की प्राथमिकताएं दर्शाता है। बैंकों के न केवल आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को शिक्षा ऋण बल्कि कृषि व व्यवसाय के लिए भी ऋण देने में तत्परता दिखानी चाहिए। झारखंड के एससी एसटी को 50% राशि पर मिलेगी औद्योगिक जमीन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की बैठक हुई। मौके पर औद्योगिक क्षेत्र चापावार और मांझी में 5 एकड़ भूमि को हर्बल एवं डेयरी के लिए आरक्षित करने पर सहमति बनी। बैठक में चान्हो प्रखंड के बरहे मौजे एवं बुढ़मु प्रखंड के सोसोई मौजा में मीट एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए भूमि आरक्षित की गई। बता दें, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए 50% राशि पर भूमि आवंटन करने को स्वीकृति दी गई। स्कूल टाइम में बच्चे नहीं करेंगे फैमिली बिजनेस में मदद। मुख्यमंत्री, कोई बालक या नाबालिग अपने परिवार के व्यवसाय में स्कूल अवधि में सहायता नहीं कर सकता। वह शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक भी अपने परिवार के व्यवसाय में सहायता नहीं कर सकता, न ही वह किसी संकट वाले व्यवसाय में सहायता कर सकता है। बता दें, राज्य सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध नियमावली में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। 27 अप्रैल तक रांची एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइटों का समय बदला। रांची से अब भुवनेश्वर के लिए भी उड़ान उपलब्ध है। बता दें, उड़ान कोलकाता से रांची होते हुए भुवनेश्वर जाएगी। इसका शेड्यूल रांची एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जारी कर दिया है। इसके अलावा रांची एयरपोर्ट पर रविवार को विमानों का समय बदल गया है। बता दें, अब रविवार से सभी उड़ानें सुबह 6:45 से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 9:15 तक होगी। वहीं सुबह 6:45 से 11 बजे तक 16 विमान और शाम 5 से 9:15 तक 10 विमान उड़ान भरेंगे। निगेटिव रिपोर्ट आने पर 7 दिन बाद ही मिल जाएगी छुट्टी। कोरोना से संक्रमित मरीज की जांच रिपोर्ट यदि 7 दिन बाद निगेटिव आ जाती है तो उन्हें अस्पताल से उसी दिन छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है। राज्य के सभी डीसी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को भेजे गए नए डिस्चार्ज प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति की पहली जांच पूर्व की तरह 7 दिन बाद ही करनी होगी। दिल्ली की हर प्लेसमेंट एजेंसी की होगी जांच, झारखंड के बच्चे वापस आएंगे। झारखंड के बच्चों के पुनर्वास को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें आयोजन के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने दिल्ली में चल रही सभी प्लेसमेंट एजेंसियों की जांच का निर्देश दिया। इसके तहत मानव व्यापार, बाल तस्करी समेत अन्य जांच गहनता से की जाएगी। कानूनगो ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न बाल गृहों में निवास कर रहे झारखंड के बच्चों को जल्द झारखंड भेजा जाएगा। झारखंड सरकार का स्कूल कॉलेजों को तोहफा, मिलेंगे 39,26,00,000। झारखंड सरकार राज्य के 268 स्वीकृत विद्यालयों को अनुदान देगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुदान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उन्होंने शनिवार को स्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को 39,26,34,865 रुपये की धनराशि आवंटित की। होमगार्ड जवानों ने कार्य बहिष्कार कर आंदोलन में शामिल होने की अपील। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य के सभी जिलों में कार्यरत होमगार्ड जवानों से ड्यूटी का बहिष्कार कर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। एसोसिएशन के प्रदेश सचिव कामेश्वर पंडित ने शनिवार को कहा कि 31 मार्च तक राज्य के होमगार्ड जवानों की मांग पूरी नहीं होती है तो 1 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होती है तो 5 अप्रैल से होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।
झारखंड में 340 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 187, बोकारो 16, चतरा 3, देवघर 9, धनबाद 19, दुमका 8, पूर्वी सिंहभूम 35, गोड्डा 5, गुमला 9, हजारीबाग 5, जामताड़ा 1, खूंटी 6, कोडरमा 8, लातेहार 6, लोहरदगा 4, पाकुड़ 1, रामगढ़ 2, साहिबगंज 9, सिमडेगा 2, पश्चिमी सिंहभूम से 5 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में कुल मौत की संख्या 1107 है, वहीं 1636 एक्टिव केस हैं। भारत में 62,632 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 1,61,586 है, वही एक्टिव केस 483,011 है।